दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त रोज भाग्यश्री। इनबीसीएन न्यूज के बॉलीवुड गॉसिप में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। कार्तिक आर्यन और सारा अली खान अपनी फिल्म लव आजकल 2 को प्रमोट करके आई नजर। कार्तिक आर्यन और सारा अली खान इस समय अपनी फिल्म लव आजकल 2 को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, सारा अली खान और कार्तिक को जिस स्टूडियो में स्पॉट किया गया, तो वही ये दोनों पहुंचे रिलायंस डिजिटल स्टोर में, जहां अपनी फिल्म लव आजकल 2 को वो प्रमोट करते आए नजर। फिल्म मलंग की कल फैंस के रिएक्शन देखने पहुंची बांद्रा के जेटी गैलेक्सी में। फिल्म स्टार का फिल्म रिलीज होने के बाद बांद्रा के जेटी गैलेक्सी जाना तो मानो एक ट्रेंड सा हो गया है। इससे पहले सलमान, ऋतिक और दूसरे भी कई सितारे अपने फिल्म को लेकर ऑडियंस का रिएक्शन जानने जेटी गैलेक्सी पहुंचते हैं, और इस बार बारी थी फिल्म मलंग के कास्ट की, जहां दिशा पटानी और कुणाल खेमू और आदित्य राय कपूर तीनों ही फिल्म के रिएक्शन देखने को लेकर पहुंचे बांद्रा के जेटी गैलेक्सी में। फिर क्या था, जैसे ही वहां के क्राउड ने इन तीनों को देखा, सभी ने तीनों को घेर लिया और फैंस की इस कदर भीड़ लग गई कि सब एक दूसरे पर गिरते नजर आए। जिसके बाद कास्ट बिना किसी फोटो और वीडियो को दिए अपनी अपनी गाड़ी में बैठे और निकल पड़ गए। अवांता क्लिनिक एक्सपर्ट के इनॉग्रेशन सेरेमनी में राहुल शर्मा, अपर्णा दीक्षित और संगीता कपूर आई नजर। लोखंडवाला अंधेरी मुंबई में अवांसा क्लिनिक एक्सपर्ट्स की इनॉग्रेशन सेरेमनी संपन्न हुई, जहां हेयर एंड स्किन सॉल्यूशन का ट्रीटमेंट होगा। इस इनॉग्रेशन के सेरेमनी में राहुल शर्मा, अपर्णा दीक्षित और संगीता कपूर नजर आई, जिन्होंने बात करते हुए इस क्लिनिक के बारे में चर्चा की। मुझे देखिए, मुझे लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है उसमें सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, सब लोग, आई थिंक एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। और सबको प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, इतना पोल्यूशन है, आपकी स्किन खराब हो जाती है, आपके बाल आप उतना टेक केयर नहीं कर पाते हैं। तो ये सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं है, ऑफकोर्स एक्टर्स थोड़ा ज़्यादा अपना ध्यान रखते हैं क्योंकि उनका काम ही उनका फेस देयर लुक्स हैं। तो आई फील कि ऐसा क्लिनिक जहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से पहले वो एग्जामिन करें, एनालाइज करें, क्योंकि कई बार आप समझ ही नहीं पाते कि आपको प्रॉब्लम है क्या। सो उसके लिए दीज क्लिनिक्स आर सो इम्पॉर्टेंट, आई एम सो हैप्पी। सो मेरा मानना है कि दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं लाइफस्टाइल का, वो है आपकी डाइट और दूसरा हाउ यू टेक केयर ऑफ योर स्किन। सो डाइट जब बहुत गड़बड़ होती है, आजकल बहुत स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, तो कई बार डाइट का ख्याल नहीं रख पाते, इंक्लूडिंग एक्टर्स ऑल्सो आई एम टॉकिंग, कि वो भी नहीं रख पाते। तो ऐसे केसेस में जब आपको डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और तब ऐसी चीज़ें बहुत हैंडी होती हैं कि आप जाओ, आप क्या किस तरह से उन चीज़ों को हैंडल किया जाए जो कि प्रॉब्लम्स आपको आ जाती है बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स। पॉल्यूशन हो गया, लोगों को एजिंग का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, और ये चीज़ें बढ़ रही हैं दिन ब दिन बिकॉज जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं, जिस तरह का खाना हम खा रहे हैं, वो पिछले 20 सालों में ही लोगों ने देख लिया कि कितना चेंज हो गया, और पीपल लव फास्ट फूड एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक सो बिकॉज ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल चेंजेस, दीज थिंग्स आर वेरी हैंडी, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स, बिकॉज जितना साइंस ग्रो कर रहा है उतना ही नए नए ट्रीटमेंट्स, नई नई चीज़ें आ रही हैं, और उतनी ज़्यादा स्किन को अच्छा रखना, आपके एज को, एज फैक्टर को कंट्रोल करना, नॉट ओनली विद द ट्रीटमेंट्स, विद द राइट काइंड ऑफ एडवाइस एंड राइट काइंड ऑफ गाइडेंस फ्रॉम योर पर्सनलाइज्ड डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट। सो उसकी वजह से आप काफ़ी टाइम तक अपने आप को यंग भी रख सकते हैं, प्लस आपका अपना ध्यान रख सकते हैं, और इन पर्टिकुलर चीज़ों की वजह से अच्छे दिख सकते हैं। बॉलीवुड गॉसिप में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के खट्टे मीठे खबरों के साथ। अलविदा।